जीएमपी शाने सहूर में इस पैर स्टार्ट किया है मैंने प्रोग्राम और मेरे साथ एक और होस्ट हैं जो कभी आपको रात में नजर आते हैं, कभी आपको सुबह में नजर आते हैं। मेरे शो में जिस वक्त मेरा शो होता है ये उस वक्त नजर आते हैं, कम से कम हफ्ते में एक दफा इनका चक्कर जरूर लगता है। वैसे चक्कर तो मेरे भी लग रहे हैं बहुत इधर उधर, क्योंकि ईद पर चक्कर आने वाली है, इसलिए सो चक्राए नहीं, मैं नाम लूंगी जनाब वही आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट। इस वक्त अपनी ब्रांड उमोर के साथ मौजूद है मेरे इस जीएमपी शाने सहूर में। आइए मिलते हैं साहिर लोदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज बैठ, प्लीज बैठ। बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। आपको और चक्कर मुबारक। चक्कर वो चक्कर से चक्कर आ रहे, रातों की नींदें उड़ी नहीं, इंशाल्लाह इट्स गोना बी हिट। ये आपको पता होगा ना, जब आप अपनी ब्रांड जिसे आप अपना बेबी कहते हैं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जब आप उसको लेकर चले होंगे इनिशियल स्टेजेस पे, तो फिर वही फीलिंग है मेरी। बस मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब आई लव माय ब्रांड बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई मेड रास्ता एज़ वेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लेकिन जो आपकी अपनी फीलिंग्स होती है ना, आप उससे नहीं कहीं रख सकते, वो दैट्स प्राइसलेस, दैट्स प्राइसलेस। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, और मैं इंतजार में थी कि भाई क्या ईद के लिए क्या खास ऑफर्स हैं अमोर की तरफ से, क्या कुछ नई चीजें जो हमें बतानी है पब्लिक। अच्छा, को नई तो ऐसा सच नहीं है, वो जुलाई के अंदर आएगी। बिल्कुल कुछ चीजें बहुत नई होंगी जुलाई के अंदर। अच्छा, लेकिन ईदी है अमोर की तरफ से, ईदी है। सबसे पहले तो हमारी ये फेशियल किट, इस पे हमको हम आपको 1000 रुपीज ऑफ दे रहे हैं, और ये हमारी तरफ से आपकी ईदी है। ये फेशियल किट जो है, दिस इज अनबिलीवेबली गुड, बहुत अच्छी है। इसके अंदर टोटल कुल 6 स्टेप्स हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बता दूं। बिल्कुल, 6 स्टेप्स हैं, और ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको पता है कि एग्जैक्टली किस तरह से इसको करना है। साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं। अच्छा, ये बॉक्स आपको इसी तरह से मिलता है, अगर आप अभी कॉल करते हैं, और नंबर जो है वो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये कम से कम जो फेशियल है, ये 10 फेशियल के लिए, ये जो किट है ये 10 फेशियल्स के लिए एब्सोल्युटली काफ़ी है। तो आपको इससे 10, इसमें आपको स्क्रब भी मिलता है, स्किन पॉलिश भी मिलती है, इसको आपको आपके जो मॉइस्चराइजर होता है वो भी मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये आपकी स्किन को, जैसे हमने लिखा है, बेसिकली ब्राइट कर देती है। व्हाइटनिंग फेशियल है, और इंटेंसिव है, और इंस्टेंट है, लगाते ही फौरन आपका चेहरा जो है वो ब्राइट हो जाता है। अच्छा, आप बिल्कुल सही वक्त पे ये लेकर आए हैं, क्योंकि सैलॉन्स में इतना रश है कि पैर रखने की जगह नहीं। अच्छा, और एक्सपेंसिव, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा, और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ये, दिस इज एक्सट्रीम क्वालिटी दैट यू कुड गेट इन एनी बिग सैलून इन द वर्ल्ड। आई थिंक मैं अपनी फेशियल किट को कहता हूँ कि इसको आप किसी भी बहुत बड़ी, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ आप इसको रख सकते हैं और देख सकते हैं, हमारी फेशियल किट ज़्यादा बेहतर होगी। आप तकरीबन 10 फेशियल इससे कर सकते हैं। आप अपने एक गेट टुगेदर ही रख लीजिए और बुला लीजिए। आइडिया उन्होंने बड़ा अच्छा दिया, मैं सही बता रहा हूँ। सबको ना नीला मैसन यासिर को चलो चक्कर टीम का फेशियल हो रहा है, that's true, ye sab karu, that's true, that's true, you can do that, you can, and we will sponsor that, seriously we'll sponsor that, we'll, Amol will sponsor anything that you would want to do with chakkar, Amol will sponsor. To ye aap kar sakte hain, abhi aap agar call karte hain to uspe 1000 rupees off hai, 1000 rupees off plus shipping and handling free. तो हम ये ईदी दे रहे हैं अमोर की तरफ से। तो पहला तो सिलसिला ये है कि आप ये फेशियल किट जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइटनिंग फेशियल है, ब्राइटनिंग फेशियल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो पहली बात है। अच्छा, रमजान के अंदर एवरीवन ईट्स एंड ईट्स एंड ईट्स एंड ईट्स एंड दे पुट ऑन वेट। तो जब आपको आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपको जरूरत पड़ती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपके लिए बेहतरी का बायस हो, आप डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये गोल्ड कैप्स कहलाती है, ड्रैप इनलिस्टेड है, यानी ड्रैप से मंजूर शुदा है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खा रहे हैं और वो ड्रैप से मंजूर शुदा नहीं हो, तो ये आप खा सकते हैं। ये आपने दिन में एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है, गोल्ड कैप एक इस्तेमाल करना है, और आप 3 से 4 इंचेस जो है वो लूज़ कर जाते हैं एक महीने के अंदर, 3 से 4 इंचेस, जी 3 से 4। अच्छा, इसमें हमने एक और बात की है, ये हमने 1800 का किया था, हम इसमें भी रोल बैक कर रहे हैं, और इसको हम 1500 का दे रहे हैं सिर्फ एक वीक के लिए अप अंटिल ईद। और अगर आप 2 गोल्ड कैप्स लेते हैं, आप लिटरली एक महीने में 3 से 4 इंचेस यहाँ से कम कर लेंगे, और मजे से हम शीर खुरमा खाएं, कुछ भी खा लीजिए आप। ओह ग्रेट, कुछ भी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है, अगेन मैं आपको फिर बता दूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट करते हैं, जो डाइट करते हैं प्लीज इसको ना लें बिकॉज, और जो कीटो पे हैं खासतौर पर वो इसको ना लें बिकॉज आपका वेट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो डोंट डू दैट, हेल्दी वेट लॉस होता है आपका, बेसिकली फैट जो होता है वो बर्न होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है। इसमें सिर्फ एक शर्त है कि आप पानी पीना है, आपने 14 से 16 ग्लास ये आपने पानी पीना है। तो ये अगर आप लेते हैं तो इसको हमने रिड्यूस कर दिया है, 1500 पे ले आए हैं। अगर आप 2 गोल्ड कैप्स लेते हैं तो इससे आपको डिलीवरी जो है वो फ्री दे देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो ये तो सेकेंड चीज़ होगी ना। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू होता है, हम शॉपिंग बहुत करते हैं ईद पे, बाहर निकलते हैं
और आजकल गर्मियां बहुत हैं पूरे पाकिस्तान में और चेहरा जो होता है वो अपना ग्लो जो है शाइन जो है उसको खो देता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास दो तीन चीजें हैं जो मैं अगर आप कहें तो मैं बता दूं। बिल्कुल बताइए। सबसे पहला जो चीज है हमारे पास ये हमारा ग्लो बंडल है जिसके अंदर एक ग्लो सीरम आता है और ये हमारी सिल्वर ब्राइटनिंग क्रीम आती है। ये आपने लगा ग्लो सीरम आप सुबह लगा लीजिए और ये रात को लगा लीजिए एंड लिटरली यू विल सी अ डिफरेंस इन अ डे। एक दिन के अंदर आपको इसमें डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा, डिलीवरीज बहुत तेजी से हो रही हैं और ये हम चांद रात तक डिलीवर करेंगे, चांद रात तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी आप ऑर्डर कर दें, उनसे कहिए मुझे ग्लो बंडल चाहिए। और ग्लो बंडल का मतलब ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाएगी और सबसे बड़ी बात ये हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब के सब PCSIR सर्टिफाइड है और इसमें टाइटनिंग एजेंट शामिल होते हैं तो आपका चेहरा लिफ्ट भी लगेगा। तो ये तो दिस इज अनदर थिंग। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हमें रिंकल्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से आ जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से आ जाते हैं, खुराक जो हम खाते हैं उसकी वजह से, फिर एजिंग की वजह से आते हैं। अच्छा, ये हमारा बेस्ट सेलर है और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये हमने बहुत दिल से बनाया है। इट इज़ कॉल्ड द इजिप्शियन सीरम, 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स शामिल हैं, उनका फ्यूजन है और इसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स जो है 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स जो है वो भी शामिल है। ये आपने 2-3 ड्रॉप्स रात को लगाने हैं और उसके साथ साथ आपने हमारी ये गोल्ड प्लैटिनम क्रीम है वो लगा लेनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन द बेस्ट। आप ये सेपरेट भी ले सकते हैं लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड इट्स गोइंग टू वर्क मिरेकल्स। आप अगर इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो आपकी फाइन लाइंस होती हैं, अगर देखिए बहुत डीप फाइन लाइंस है तो वो रिमूव नहीं होंगी, वो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा या बोटॉक्सिस करवाने पड़ेंगे कुछ और, लेकिन अगर जो छोटी छोटी फाइन लाइंस जो अपीयर हो रही हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अच्छा, ये कहाँ इफेक्टिव है, ये आपकी लाइफ इफेक्टिव होता है और ये बहुत फीट जो बन जाते हैं जहाँ से आपकी एजिंग का पता चलता है ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम हमेशा कहते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ, सन ब्लॉक आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। ये तो मेरे तो आदत बन चुकी है ये वाला। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये मैं नहीं बताता, ये आप बता दीजिए आपको ये कैसा लगता है। ये ऐसा सन ब्लॉक है कि तो मैं भूलती नहीं हूँ इसे लगाना, क्योंकि मुझे इसे लगा के उलझन नहीं होती, वरना आपको सन ब्लॉक लगाने में सुस्ती होती है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे इससे फायदा पहुँच रहा है और मैं मतलब मुंह धो के कोई और क्रीम वगैरह लगाए बगैर ये लगा के हमेशा जा रही, ऐसा कहता है जल्दी करो गाड़ी में बैठो हमें वहाँ जा रहे हैं वहाँ, मैंने कहा अच्छा यहाँ से रुक जाओ, ये सनब्लॉक लगाती हूँ मैं, बाहर निकलती हूँ गाड़ी में बैठ कर हल्की हल्की टेंट इधर लगा ली और फ्रेश एकदम रेडी टू गो। और ब्राइटनिंग एजेंट भी शामिल है, ये आपकी स्किन को टाइट और ब्राइट एक साथ करता है, तो आपको सनब्लॉक, अच्छा इसमें 100 SPF शामिल है तो आपको यूज करना है और ये चूंकि जेल है इसलिए व्हाइट रेजिड्यू जो है वो नहीं छोड़ती, वो भी नहीं होता और एक ठंडक महसूस होती है गर्मी में। आप सनब्लॉक कोई और लगाएंगे ना इसके अलावा, सो मुझे तो ऐसा होता था मुझे सांस नहीं आ रहा सीरियसली, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ, मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रही हूँ, साहिर ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डेड हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसको एक्सफोलिएट करने की जरूरत है, इसको दोबारा से नया करने की जरूरत है, रिजुविनेट करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर राइस सीरम है और राइस स्क्रब है। अब राइस स्क्रब जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लें, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं और उसको हल्के हल्के हाथों से रब करके इसको वॉश कर लें और उसके बाद ये राइस सीरम जो है ये आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। राइस सीरम आपकी स्किन को ब्राइट करता है और ब्राइटनिंग और टाइटनिंग एजेंट दोनों होते हैं। राइस के अंदर ऐसे इंग्रीडियंट शामिल होते हैं, मैं अपनी स्किन के लिए राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ, राइस का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, राइस के मास्क इस्तेमाल करता हूँ, तो यू कैन यूज़ दैट। और ये भी आप हफ्ते में 2 मरतबा इसको लगाना है और डेली इसको लगाना है एंड विद इन 2-3 डेज लोग आपसे एक्चुअली पूछेंगे कि आपकी स्किन यंग लगने लगी है। अच्छा, एक निदा, मुझे पता है टाइम बड़ा कम होता है, एक चीज़ मैं जरूर, मैंने अपने बाल कैसे बचाए हैं ये मैं बता सकता हूँ आपको कैसे बड़े बचाए। वाकई सही बात है, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त काम किया। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, गंजपन का इलाज है गंजपन। मैं बहुत फखर से ये बात कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में 20 साल के बाद प्रोपेशिया छोड़ी, आफ्टर 20 ईयर्स मैंने 20 साल के बाद रोगेन छोड़ी। अब मैं रोगेन भी नहीं लगाता, मैं सिर्फ ये इस्तेमाल करता हूँ, ये हमारा हेयर सीरम है, 7 ड्रॉप्स अ डे, दैट्स इट, रात को आप 7 ड्रॉप्स लगा लें। बड़ी बात है, मैं ये कहूँगी, सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा, आपके अब्बू की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है लेकिन जब फैमिली में जीन्स होती है कि बाल चले जाएंगे, सो बहुत जरूरी है कि वक्त से पहले इसको शुरू कर दिया जाए, वक्त से पहले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी थिनिंग हो रही है आप इसको लगाइए एंड विद इन 6 वीक्स आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। ये 6-8 to 12 वीक्स लगते हैं आपके पूरे बाल आने के अंदर, लेकिन वो बाल देखिए ये कहाँ का मुफीद होता है, 7 ड्रॉप्स आपने लगा लिए, ये यहाँ के एरिया
एरिए के लिए बहुत मुफीद है, इधर के एरिए के लिए बहुत मुफीद है, खवातीन की जो फाइन जो बाल फाइन हो लगते हैं नीचे से उनकी जो वो इधर से जैसे औरतों के फाइन हो जाते हैं ना, यस सेवन ड्रॉप्स, सेवन टू एट ड्रॉप्स आप लगा लीजिए, और उसको अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो हमारे इस मिल्की व्हाइट शैम्पू के साथ कर लीजिए, या ये हमारा डेली का जो शैम्पू है जो एंटी हेयर फॉल खुद भी है उसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये है सिवियर बॉल्डनेस के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस का प्रॉब्लम हो। फर्ज करें कि आपकी मीडियम बॉल्डनेस है, जहाँ पर आप एनीवेयर फ्रॉम 250 टू 300 हेयर आप रोजाना लूज करते हैं, तो आप ये हमारा सिल्क ऑयल है और ये भी बहुत मुफीद है, ये हफ्ते में आपको तीन बार लगाना है, थ्राइस अ वीक लगाना है और इसके साथ लगाना है, इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाना है। हमारे पास तीन चार किस्म के डिफरेंट शैम्पूज हैं जिनकी कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके बाल गिरना बंद हो सकते हैं। आप जब भी कॉल करें, अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है या आपकी स्किन का प्रॉब्लम है या आपको अपना वेट लूज करना है, तो हमारे कंसल्टेंट्स इवन अब भी बैठे हुए हैं, आप उन्हें हम अभी कॉल कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे एग्जैक्टली, और आपको पता चल जाएगा कि हम जो बात कहते हैं हम उसके पीछे वी स्टैंड बिहाइंड इट। एक तो ये एक दफा हमने रिपीट करना कि ये ईदी लेकर आए हैं आप, 1000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट है अमोर की तरफ से, अमोर की तरफ से। किस तरह बाय करें सारी आपकी चीजें वो बता दें, ताकि फिर हम ब्रेक लेंगे, ये यहीं रहेंगे मगर इसके बाद बताऊंगी, पहले आप बता दीजिए। सबसे पहले तो जी आपको नंबर सामने आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। देखिए मैं आपको तीन चार चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन कुमला गई है या उसका ग्लो ख़राब हो गया है या आपके रिंकल्स आ गए हैं, और सबसे बड़ा बात वेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि रमज़ानों में आप बहुत खाएंगे, अगर आप ईद के दिन से भी हमारी इस गोल्ड कैप्स को खाना शुरू करते हैं तो आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और उसमें डाइट की ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ कॉल करना है, उनसे कहना है कि जी मुझे वाइटनिंग फेशियल किट चाहिए, वाइटनिंग फेशियल किट, एक फेशियल किट के अंदर 10 फेशियल होते हैं, वाइटनिंग फेशियल किट चाहिए, वो आपको फेशियल किट दे देंगे, इस पर डिलीवरी फ्री है, ये 4500 की है लेकिन आज अगर लेते हैं तो 3500 की हम दे रहे हैं, तो ये है। इसी तरह से बाकी जितने, अब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, ब्रेक के का वक्त हो गया है। आज हमारे पास ये दोनों बहन भाई जो टैलेंट, वो कहते हैं ना कि एक ही फैमिली में टैलेंट मौजूद है, साहिर लोधी एंड शाइस्ता लोधी, अंडर वन रूफ। आज बात होगी बहन भाइयों की, छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, जीएमपी शान ए सहूर। वेलकम वेलकम बैक जीएमपी शान ए सहूर में। जैसे कि आपने ब्रोशर देखा होगा कि आज हमारे पास वो दो एक ही घर के, कहते ना टैलेंटेड लोग, यहाँ अंडर वन रूफ है। अब तो जाहिर एक घर में नहीं रहते क्योंकि लड़की शादीशुदा है, लड़का अपने घर में रहता है, लड़की अपने घर में रहती है, लेकिन यहाँ हमने दोनों को एक साथ बुलाया है उनके बचपन के बारे में जानने के लिए, उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए, तफसील से बैठ के उनसे बात करेंगे मस्ती भरी इस पहर में। आपको वेलकम करते हैं, आइए जो मेरी फीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, पहले लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं पहले उनकी जो स्ट्रगल है वो एक पैकेज के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहूँगी, आइए देखते हैं। कि हमारी मेहमान हर फन मौला हैं, जिस भी काम में हाथ डाला उसे इस खूबसूरती और महारत के साथ निभाया कि वो दूसरों के लिए मशले राह बन गया। मॉर्निंग शोज की होस्टिंग हो या फिर एक्टिंग में जान डालनी हो, इन्होंने हर काम को बखूबी निभाया। मैं तो वैसे भी तुम्हारा मकरूज हूँ सुधी। मियां बीवी में कोई उधार नहीं होता, मकरूज हूँ, जो कुछ मेरा है वो आपका। पेशे के लिहाज से आप एक डॉक्टर हैं और मीडिया में जितना इन आप रहती हैं उतना ही टाइम अपने शोबे को भी बाकायदगी के साथ देती नजर आती हैं। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में आज काम करने वाली कई नामवर शख्सियात कई बार अपने इंटरव्यूज में शाइस्ता लोधी को अपने मेंटोर की हैसियत से मान चुके हैं। अच्छा, तो निकालो अपना जंगी सामान। सुनो, इस वक्त ना मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, हुसैन को बुलाओ, काम है मुझे। ओए, जो यकीनन शाइस्ता और इनके चाहने वालों के लिए काफी खुशी और एजाज की बात है। इसी के साथ आप मशहूर ड्रामाज वादा, खान और परदेश में भी नजर आ चुकी हैं और इनकी अदाकारी यादगार टेलीफिल्म उफ ये बीवियां में भी खूब पसंद की गई थी। आप अपने कामयाब करियर में 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। और जो मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे आप एज ब्रांड एम्बेसडर मोर के मिल चुके हैं, लेकिन अब यहाँ होंगी कुछ अलग बातें, आइए चल के देखते हैं उनकी जिंदगी की स्ट्रगल। सो आइए वेलकम करते हैं इस बहन भाई की टैलेंटेड जोड़ी, साहिर लोधी एंड शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी रमजान मुबारक। और ये देखिए एक दफा फिर एंट्री हुई है साहिर लोधी की, आपको भी रमजान मुबारक। ये कमाल है ना, हाँ, दो दफा।
क्या हाल चाल है? बिल्कुल अब तो कोविड नहीं है, अब तो कोविड नहीं है, रख सकते हो मैं? नहीं, इधर से मेरे आपके पास फ्रेम में सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। आप अपने बराबर बराबर, अच्छा आप अपने बराबर बराबर, हाँ हाँ, जहाँ आप बैठ रहे हैं, आपका कहाँ इरादा बैठने का? अच्छा सही, आप जहाँ कहें बस मैं यहाँ भी बैठ सकती हूँ। आप तो जमीन में बहुत दफा बैठ जाती हूँ। शाइस्ता और साहिर को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंगल्स की? मुझे कोई, मेरे सारे एंगल ही ऐसे हैं। जो जिनके खड़े नकुश होते हैं ना, खड़ी नाक होती है, जॉ लाइन स्ट्रांग होती है, उनको एंगल्स का प्रॉब्लम मैंने देखा ही नहीं होता। मैं किसी भी एंगल से नजर आऊं ऐसा ही लगता हूं। मेरा कोई एंगल नहीं है, जिस भी एंगल से देखेंगे आप ऐसे ही हूं मैं। अच्छा, मैंने देखा आपके जो बाकी बहन भाई हैं उनके मुकाबले में आप दोनों ट्विन्स लगते हैं। अगर मतलब बहुत सारे लोग शुरू में आप दोनों को ट्विन्स समझते, देखिए आप दोनों ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा है? ऐसा, अच्छा, हम सबकी शक्लें मिलती हैं, हाँ। लेकिन आई थिंक भाई दोनों जो हैं वो थोड़े से ओवरवेट हो गए, तो बस उसकी वजह से, अदरवाइज दे लोग द सेम, एक ही जैसे लगते हैं, बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं। मतलब आप मेले में खो जाएं, बचपन में तो पता चलता था कि ये एक ही खानदान के लोग। आप इसको छोड़िए, एक बार मेरे फादर ने, गॉड ब्लेस हिज सोल, जो उनके उनके दोस्त थे वो आ रहे थे कहीं से, तो उनको कैंट स्टेशन लेने अब्बा ने मुझे भेज दिया कि तुम चले जाना। अच्छा। और इकबाल अंकल, और उन्होंने दूर से, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था, हाँ। और दूर से देखा, गौर इधर इधर, साहिर इधर, and I'm, I was surprised. तो I mean, of course, अब्बू से मिलती शक्ल अम्मी से, दोनों से, I think दोनों से, I think I look more like my dad. मैं बहुत ज़्यादा अपने फादर से मिलता हूँ। शाइस्ता अम्मी से मिलती है। हाँ, शाइस्ता is a replica of my mother. है ना? Replica. और फिर शाइस्ता की बेटी भी आप लोगों जैसे, मतलब like एक ही सांचा है वो। हाँ, वो भी मॉडल ऐसी ही लगती है। मतलब अब वो छोटी है अभी, वो बेबी फैट है थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो शाइस्ता जितनी होंगी वो आप जैसी ही लगेंगी। ईमान इज एग्जैक्टली लाइक शाइस्ता, है ना? एंड शाइस्ता इज एग्जैक्टली लाइक माय मदर। Yes, वो तीन जनरेशन, तीन जनरेशन, माशाल्लाह। कोई पिक्चर तुम लोगों ने खींची एक साथ? हाँ हाँ, ईद पे बहुत ऐसी चीजें होती हैं, कितनी यादगार होती, यादगार होती हैं वो तस्वीरें, आप देखें तो लगता है। अच्छा, जैसे माशाल्लाह आप लोग तीन भाई और एक एक लौती बहन, सो एक देखे, दो किस्म के घराने होते हैं, या तो बहन बिल्कुल स्पॉइल्ड होती है, नखरा होता है, भाइयों ने उसको पलकों पे बिठाया होता है, या फिर बेचारी बहन सबके कपड़े इस्त्री कर रही होती है, भाई जो है वो टेंट्रम्स शो कर रहे होते। आप ऐसी किसी बहन को जानती? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मैं लोगों से, हमारी हमारी वाली बहन दूसरी वाली है। कौन सी वाली? पलकों वाली है, पलकों वाली है। रोब था शाइस्ता का, आज भी रोब है शाइस्ता, शाइस्ता का आज भी रोब है। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, I don't think कि मैं किसी की बात सुनूंगा, but शाइस्ता की I do listen to her. हमेशा से? हमेशा, and not just me. हाँ. I think she has taken the role of my mother. Oh. She automatically has. She in fact, एक और caring तो ये है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक और बात जो शाइस्ता की बहुत बड़ी है, वो ये है कि I miss my grandmother. तो शाइस्ता has actually taken her responsibility. क्योंकि जब तक मेरी नानी जिंदा थी, हम सब उनके घर जाया करते थे, सब मिला करते थे। अच्छा, फिर उनके जाने के बाद किसी हद तक अम्मी ने और खाला ने उसको पूर किया, लेकिन फिर भी पूरा खानदान इकट्ठा नहीं हो सकता था। तो अब इकट्ठा होता शाइस्ता के घर? Exactly, it's all her. It's no one else, it's her. इसमें कोई शक नहीं। शाइस्ता, कैसे तुम ये पलकों पे बिठाते थे? तुम्हें क्या होता था? ड्यूटी लगती थी कि शाइस्ता को स्कूल कॉलेज एक भाई छोड़ने जाएगा, बिल्कुल भाई। और वो मुझे अपनी अम्मा के जुमले याद हैं, अरे मेरे बच्चों को तो इसने अपना ड्राइवर बनाया हुआ है। तो ये होता था बिल्कुल, कॉलेज में भी स्कूल में भी, कि जाहिर है मैं, कि होता ना बहनों को जरा ज्यादा ख्याल होता है तो अकेले नहीं आने देना। तीनों भाइयों में से शाइस्ता का ख्याल रखने वाला कोई एक भाई, सब अगर कंपैरिजन करें, वैसे सब हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो कौन है हर बात में ख्याल रखने वाला बचपन से? तीनों में, बचपन आई थिंक तीनों ने साहिर भाई से मेरी बहुत इसलिए बनती थी कि हम दोनों ना जरा जरा फिल्मी ड्रामाई टाइप दोनों हैं हम। लाइवली आप हैं, आई जस्ट वेंट अलोंग विद इट। तो इसलिए अदरवाइज क्या एक्टिविटीज होती थी बचपन की? जैसे तीन भाई हैं, चलो वो तो मिलकर खेल रहे, बहन उनके साथ कैसे फिट इन होती थी? बहन को तो ये बेवकूफ बनाते थे सारे मिलके, ये हाँ, वो हम, वो छुपन छुपाई होती है ना घर में, तो वो हम खेल रहे होते थे, और मुझे तो कहीं ऐसे ही वो यूज कर लेते थे कि ना मैं बल्कि बताती रहती थी, एक मुझे प्यार करता था, कहता था वो कहाँ छुपाया, तो मैं कहती थी और फिर दूसरा आता था वो प्यार करता था, वो कहता था कहाँ छुपाया, कहाँ छुपाया।
तो मैं सबके राज भी खोलती। अच्छा, but Nidha, that was very short-lived. बहुत short-lived ना? उसके बाद मतलब फिर जब बॉस का हुक्म चलना शुरू हुआ तो फिर बॉस का हुक्म चलता है और हम पे नहीं चलता, बड़े बड़ों पे चलता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे घर में अगर भाइयों की तादाद ज्यादा होती बहन कम होती तो भाई बहन भी कहने लगती है मैं खाऊंगा मैं जाऊंगा, कुछ थोड़ा सा वो एक वो वाला आता ना माही मुंडा टाइप टॉम बॉयश चीज हो जाती। तो शायद तुम इस चीज से गुजरी हो कभी के इनके साथ रह रहकर? आई डोंट थिंक सो, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी अम्मा जबान के हवाले से बात करें उर्दू बोलने पे तो वो तो बहुत ज्यादा, यानी मैं और मेरे छोटे भाई ये लोग तो निकल जाते थे दोनों, मैं और मुझसे जो बड़े हैं ताहिर भाई, हम दोनों फंस जाते थे अम्मी के पास और वो हमारी मतलब बोलो हाँ काफ नहीं बोलो काफ बोलो अब हम कर अब दोनों बहन लेकिन एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ये हम आपको आपको सिखाएंगे कि काफ कैसे बोलते हैं, ये मुझे भी अब्बू अम्मी ने सिखाया है। हम दोनों की शक्लें आपस में इतनी मिलती हैं कि कोई नहीं पहचान सकेगा। कबीर को पता चल गया तो कबीर यहाँ है ही नहीं और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगी ताकि आसपास के लोग यही समझे कि तुम यही हो। एक हफ्ते की तो बात है, पकड़ी गई। मारी जाएगी किसी दिन मेरे हाथों से। आपके हाथों से नहीं काका। भाई अब सीधी तरह अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो देख फिर तेरे साथ होने क्या जा रहा है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे जान लेने वाले। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया है और पुलिस तहकीकात और तफ्तीश कर रही है। आए मोबाइल केस इसे मैं खुद देख रहा हूँ। एक्साइटमेंट लेवल चक्कर शुरू हो गए सबको, सबको चक्कर शुरू हो गए और इस सीट पर आप लोगों ने जाके अपना वो कहते हैं ना बड़ी मोहब्बत करते हैं मोहब्बत दिखानी है सिनेमा जाके चक्कर मूवी जरूर देखनी है पाकिस्तानी सिनेमा। भाई इतने दिन बाद सिनेमाज खुले हैं, कोविड खत्म हुआ है तो अब तो जाएंगे लोग देखने क्योंकि ईद पे छुट्टियां आ रही हैं तो सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट ये होती है आप पूरी फैमिली के साथ मिलके जाएं और अपनी सबसे बड़ी बात ही आई थिंक इट लुक्स रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। और अभी हम मॉल्स वगैरह जा रहे हैं माशाल्लाह, लोग जो है वो सड़कों पे रश है, वो जो एक रौनक थी ना बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो रौनक बहाल हो गई है, लग रहा है कि ईद करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो एक देखकर दिल को खुशी हो रही है, आज हम कितने दिनों बाद गले मिल रहे हैं, कितने दिनों बाद गले मिल रहे हैं, सच में वरना हम हमेशा ये कर रहे होते हैं। अच्छा लाइफ में छोटी छोटी चीजें हम लोग कितना मिस करते हैं बहुत, और अब एहसास होता है। अब अभी एक मैंने पिक्चर देखी थी आई थिंक ट्विटर पे थी जहाँ पे एक आदमी ने अपना मास्क उठा रहा है और हवा में लहराया है बिकॉज जहाजों में अभी हो गया कि अब आप मास्क ना पहने। अच्छा, तो इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज अनबिलीवेबल। तो आप लोगों की इसी तरह की कोई बचपन की यादें हैं जो आप लोग इकट्ठा खेला करते थे एक दूसरे के साथ गुजारे हुए वो लम्हात, अब माशाल्लाह आप लोग जिंदगी में इतने बिजी हैं कभी बैठ के वो चंद लम्हात याद करते हैं इकट्ठे फैमिली? ऑफ कोर्स, क्या है जैसे? देखिए हमेशा ये हुआ करता था कि मैं और भाई साहब जो थे वो जो मेरे बड़े भाई नहीं मेरे आमिर बड़े भाई जो अच्छा। तो वो जो थे वो हम बहुत पहले मुल्क छोड़ के चले गए थे अच्छा। तो हमारी वापसी आप दोनों? हम दोनों वी लेफ्ट पाकिस्तान एट अ वेरी यंग एज, कितने छोटे होंगे आप? वेरी वेरी यंग, बट आई डोंट रिमेंबर, 16 पढ़ने के लिए जाहिर है आपको जाना होता है तो आई लेफ्ट। तो जब हम वापस आया करते थे तो आई रिमेम्बर शाइस्ता वाज गोइंग थ्रू मेडिसिन तो वो पूरी पूरी रात इसे पढ़ना होता था और इसे मैं रिक्वेस्ट करता था यार मुझे चाय बना के दे दो, तो बेचारी पढ़ रही होती थी एंड देन 3 o'clock इन द मॉर्निंग शी वुड मेक टी फॉर मी। तो ये सारी बातें होती हैं, आई थिंक हमारा बचपन बहुत अच्छा था, मुझे ऐसे लगता है कि शायद या शायद हम अपने ही उसमें रहना चाहते हैं। आज के बच्चों का बचपन जो है वो आईपैड से निकलता ही नहीं है, वो मतलब हम तो बाहर घूमा करते थे यार, हम तो मतलब क्या कहते हैं बाहर घूमे कैसे मतलब लाइक मैं तो नहीं मेरे ऊपर तो ऑब्वियसली जरा पाबंदियां थी। इन लोगों को मुझे याद है कि अब्बा का था एक अलार्म मगरिब के बाद मगरिब से पहले मतलब मगरिब पे घर आ जाना उसके बाद नहीं, और इनमें से अगर कोई एक 5 मिनट भी आगे पीछे हो गया तो फिर अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑब्जर्व किया आप दोनों के अंदर, आप दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, ये चीज आपके पेरेंट्स ने कैसे डाली आपके? आई थिंक अम्मा से आई है हमारे। अच्छा वो भी बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अम्मा से आई है। अब्बा तो जरा आराम के शौकीन है, आराम और अम्मा रिलैक्स रहते हैं। आई डोंट थिंक कि पापा आराम के शौकीन है, आई थिंक पापा हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ही इज मोर चिल्ड,
he's more relaxed. कमाओ और बैठो, एक दूसरे को time दो, chill करो, relax. और अम्मी बस काम करो. अम्मी बस काम काम काम. तुम्हारी तरह. तो वो हाँ मेरे ऊपर ज़रा ज़्यादा है भाई. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा मैं my अम्मा held about 3 jobs at one time. तीन नौकरियाँ. वो पढ़ाती भी थी, वो गवर्नमेंट की जॉब भी करती थी, फिर उसके बाद प्राइवेट कंसल्टेशन जो उनकी होती थी वो भी करती थी, और उसके बाद जाहिर है घर को देखना, घर को मैनेज करना. तो मेरे ख्याल में और मैंने अपनी मदर से सीखा, और मैं शाइस्ता को देखता हूँ, शी डज इट ऑल द टाइम. आई मीन इट्स जस्ट Even you also. I don't know, Shaista, yaar, bahut hardworking hai. Main hamesha inspiration hai. I think it's about women in general, honestly. I think khawateen jitna kaam kar leti hai na, wo mard nahi kar sakte. Acha, phir jo tarbiyat hoti hai. I mean, even though Yasir is a very good father and all, but still tarbiyat jo hoti hai na, wo maa ki taraf se hi aati. To like my mother, I see her spending time. Khandan ke har bacche ke bare mein Shaista ko pata hai. अपने बच्चों के बारे में तो पता है, बट ऑफ कोर्स शी नोज अबाउट अ लॉट ऑफ अदर किड्स आल्सो. अच्छा, और ये अन्ना है सबकी ना? अन्ना तो शी इज, एवरीवन कॉल्स हर अन्ना. तो मतलब होता है ना, घर में खानदान वाले भी सब अन्ना अन्ना करे, जो तुमसे बड़े भी हैं सब अन्ना अन्ना बोलते हैं वो. हां, और मेरे दोस्तों के बच्चे भी मुझे अन्ना बोलते हैं. और अगर किसी को हार्ट अटैक देना हो तो अन्ना को बोलेंगे, अन्ना को न्यूज़ सुना दे. अन्ना इंतहाई हुजूर, क्या सुना दे, जैसे क्या? कोई न्यूज, अन्ना कोई भी न्यूज सुना सकती हैं. हाँ. कि अन्ना बिल्कुल नीचे से शुरू करती हैं, वो एजाज था ना, अब आप जी अन्ना आगे क्या हुआ है? नहीं, ये लोग मुझे कहते हैं तुम खामखाई का पैनिक लेती हो ना. हाँ. तो मेरे बेटे से एक दिन पता नहीं किसने किस कुछ कहा, तो कहने का हमने कभी अन्ना देखी नहीं पैनिक के बगैर. तो अच्छा है, आप कुछ नहीं, आप चिल करें, दे अन्ना को पैनिक. मैं देखती रही थी मैं इनको. अच्छा, मैं अब साहिर से जो है वो शाइस्ता बताएंगी. हाँ. जवाबात मैं साहिर के सवाल शाइस्ता से करूंगी, और शाइस्ता के सवाल साहिर बताएं. ओके. क्योंकि बहन भाई जितना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कोई दुनिया में नहीं जानते. ये तो बता दीजिए ये सब क्या है. ये तो बता दें. दिस इज लाइक ईमान, सीरियसली. अल्लाह क्यूट शाइस्ता बचपन में. ओके, ईमान. या अल्लाह, शी इज ईमान. लुक एट दिस. इसको गौर से देखिए. This is like iman. नहीं, ये लकी हो तो iman कि तुम्हें अपनी माँ की जीन ज़्यादा मिले. शक्ल सूरत में ही बड़ी इम्पोर्टेंट होती है चीज. सो iman नहीं कहती कि यार शुक्र है मम्मा मैं आप जैसी हूँ. iman बोलती है कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलती. वो उस एज में क्यों आप जैसी. घर की मुर्गी दाल बराबर. अच्छा, अब मेरे सवाल ही होगा, जो भी मैं सवाल करूंगी, साहिर बचपन में ऐसे या अभी जवानी में ऐसे? Okay. और यही बात मैं आपसे भी पूछूंगी, शाइस्ता बचपन में ऐसी या अभी जवानी में ऐसी? ओके, पहला सवाल, मूडी बचपन में ज्यादा थे या जवानी में ज्यादा? दोनों से ये सवाल है, कॉमन सवाल. आप शाइस्ता के बारे में बताएंगे और मूड स्विंग्स, अभी रोना आ गया. अब और बचपन में चले जाओ ना, रोना आ गया अभी, मतलब लाइक बचपन में होगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नहीं. और मैं और सो बचपन में थी ऐसे मूड स्विंग्स थे शायद? नेवर. दिस डजंट अप्लाई टू अस, ये सवाल हम दोनों के लिए नहीं है. आप दोनों मूडी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं. सीरियसली, मुझे शायद प्रॉब्ली अब कभी कभी बहुत जब थक जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, अदरवाइज मुझे कोई ऐसे मूड स्विंग. तो आप बताएं ना कि अभी सही. अच्छा, सच कहेंगे जो सही. मैं आपको सच बता रहा हूँ. अच्छा, मैंने नहीं देखा. अभी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी वो बिजी है, अपने काम करती है, तो बंदा थक जाता है. तो उस वक्त ज्यादा थकान होती है. I guess now. आप कहे ना. Okay. और साहिर का भी बताओ, सही सही, सच सच. आई थिंक बचपन में थोड़े बहुत थे. हाँ, साहिर के तो थोड़े बहुत. वो बहुत टू मच कभी. अब कंट्रोल कर लेते हैं अपने मूड. अरे बहुत, अब तो हैंडल कर लेते हैं. ये तो उबूर हासिल है भाई. ओके, बातूनी बचपन में ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है, क्योंकि कमाते ही बातों की वजह से. कहते ना कि तो आप बातों नहीं है कि ये भी बचपन में चुप वाली रहती थी क्या? चुप चुप साध लेती थी या क्या? शाइस्ता वाज नेवर क्वाइट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी. घर में सबसे ज्यादा कौन बोलता था? और आप कह रही हो कि अब ये बात होनी ज्यादा. अब ज्यादा है. हाँ, बचपन में इतना नहीं बोलते थे. अब अब ज्यादा. ओके, गुस्सा बचपन में ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप शाइस्ता के बारे में बताएं, आप साहिर के बारे में. बचपन में ओ आपको लगता है कोई किस्सा है शाइस्ता तुम्हें याद, गुस्से का किस्सा है कि क्या किया, कोई कभी कोई चीज तोड़ दी
नहीं, इस तरह वाले गुस्से नहीं होते, चले गए गुस्से में, इस तरह वाला गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन हाँ जो जब गुस्सा आया तो बहन भाइयों पे नहीं निकला, लेकिन वो अम्मा के साथ, अम्मा को कुछ कह दिया, अब डर जाते हैं ना दूसरे बहन भाई छोटे छोटे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट हो गई, जब होता है टीनेज में होता है, नहीं कभी ऐसा तो नहीं मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे एक्चुअली बचपन में समझ आ गया था अपने घर के अलावा मुझे कोई नहीं रखेगा, नेवर लेफ्ट द हाउस, मुझे मालूम था मैं सिर्फ अपने घर के लिए हूं, बाकी मुझे किसी ने भी, जिसने भी रखना है वो वापस कर देगा मुझे। क्या फिल्मीपन क्या था आपके अंदर? कोई फिल्मी, अच्छा मैं ये कह रही हूं, कोई फिल्मीपन नहीं था सिवाय इसके दैट आई लव्ड ओल्ड मूवीज, दैट्स इट, और उसमें भी I loved दिलीप कुमार साहब, I loved अमिता, अच्छा मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो फिल्म में भी मैं उस जमाने में वॉल्टर क्रॉन्काइट के शोज देखता था, अच्छा लाइब्रेरीज के अंदर जाके वो एक स्पूल सा होता था जिसको आप चलाते थे, उसके अंदर ऐसे आंख लगाते थे उसमें देख लेते थे, तो फिर मैं उस भी, और मैं बचपन से ही मुझे आई वॉज वेरी स्टूडियस, मुझे बस पढ़ने का मालूमात का शौक था, बहुत ज्यादा। और तुम्हें क्या था बचपन में शौक? मुझे कोई पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं था, मुझे कोई पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन मैं वो स्टूडेंट थी जो प्रेशर में पढ़ती थी, अच्छा हाँ, मेरी अम्मी के डंडे का प्रेशर ऐसा था ना, ओए होए 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 आपकी सोच है, तो दोनों भाई, उन दोनों भाइयों पे भी, तारिक भाई, इनको तो शौक था भाई, इनको पढ़ाओ, नहीं नहीं तारिक भाई और आमिर भाई, हां तारिक भाई और आमिर भाई, तारिक भाई है ना, ताहिर, 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 सॉरी, ताहिर भाई और आमिर भाई पे भी उतना ही प्रेशर था, सवाल ही नहीं, उन्होंने अब असल में मेरी अम्मा ने नाकामी देख ली थी ना तीनों दादों की, तो मुझ पे सारा जोर चला, मैं उसमें मुझे कुछ, हाँ इनको तो बहुत शौक था, ये भी कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ भी पढ़ लूँ, वो यूनिवर्सिटी अप्लाई हो रही है, वो कॉलेज, भाई मुझे पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं था, अम्मा के डंडे ने पढ़ाया, डंडे ने पढ़ाया, ये काम आ रहा है, हाँ ये माशाल्लाह तीन क्लिनिक्स और लाहौर में भी खोल रहे हैं, चौथी क्लिनिक, चौथी भाई, तो कोई शक नहीं, कोई शक, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा फूडी बचपन में ज्यादा थे या अब ज्यादा है? दोनों, ये हाँ हमेशा से, ओ आपकी सोच है, हाँ? आपको वो गंदे खाने पता ही नहीं होंगे कौन सी चीज कहाँ मिलती है जो इनको पता है नहीं जी ओहो हो जी और अब बस फर्क सिर्फ ये है कि बचपन में रेड़े पे जाके खाते थे, हाँ और ये अब जो स्टेज आ गई है उसमें ये कि अच्छा यार वहाँ गाड़ी भेज के मंगवा, रेड़े से मंगवा के खाते हैं, लेकिन हर जगह का गंध हमें पता और शायस्ता के बारे में बताएं, अब खा लेती, पहले तो नहीं खाती थी बचपन में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब लेकिन अब जो रेड़े का खाना हम मंगवाते हैं ये भी खाती है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खा रहा हूँ। अच्छा जब आप बता रहे अम्मी जब तीन तीन जॉब्स कर रही होती थी तो घर में अम्मी का हाथ बटाने में कौन सा बच्चा आगे होता था कि चलो मैं बर्तन थोड़ा धो देता हूँ या खाना पका लेता हूँ? मैं करता था। नहीं यार, always used to do that. Well, I always knew that my mother was, I think I became a friend to my mother. I was probably her best friend. तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे शायद अम्मा थोड़ी सी vulnerable हैं इस मामले में, because अम्मा का बहुत शायस्ता बहुत छोटी थी, वो she was very young. तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद उनको ज़रूरत थी मेरी, तो इस वजह से तो आई थिंक आपने तभी तो इतने कामयाब हुए आप लोग, क्या कहते हैं जो माँ की दुआएं लेता है ना फिर वो पता नहीं कहाँ तक जाता है वो वाली अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई थिंक हर औलाद को तो है ना माशाल्लाह आई थिंक वो हम सब के अंदर है चारों के अंदर है नॉट जस्ट का ख्याल करना हां अम्मा का अब्बा का ख्याल करना हम चारों के अंदर है एंड आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ देम आल्सो बिकॉज़ जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको रखा तो वो एक बड़ा मतलब वो एक बड़ी अजीब दास्तान है हम वी कम फ्रॉम अ वेरी डीसेंट फैमिली वेरी लिटरेट फैमिली लेकिन पैसे की फरावानी नहीं थी लेकिन वैल्यूज की फरावानी बहुत थी तो वैल्यूज़ को इनकलकेट करना आपको बताना तहजीब सिखाना शीन और काफ आपका दुरुस्त करना आपको बताना कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं कहाँ आप गलती नहीं कर रहे हैं आपके मॉरल्स को ठीक रखना और अगर गलती हो आप यकीन मानिए मेरे पेरेंट्स का एक उसूल है कि अगर गलती हम में से कोई भी करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मतलब वी डू नॉट गेट अ हॉल पास हमको कभी हॉल पास नहीं मिला कि अगर गलती हुई है तो पेरेंट्स ने उसको कंडेम किया नहीं आज तक जी बिल्कुल कंडेम किया बिल्कुल अच्छा किस तरह की अम्मी कभी कोई अम्मा होती है जो थोड़े शिकवे करती हैं थोड़े से मतलब एक अम्मा होती है जो थोड़े नाज उठवाती हैं थोड़ी लाडियां चाहिए मैं आपको बताती हूँ मेरी अम्मा कैसी हैं आप कभी मैं और आप बैठेंगे मेरी अम्मी के सामने तो मेरी अम्मी कहेंगी आपके जाने का कितनी अच्छी बच्ची है देखो इतनी बिल्कुल सही बात कह रही थी तुम क्या कह रही थी उसके सामने सार देखो वो कितनी
मतलब मेरी अम्मी के लिए हम सबसे बुरे तो ही बोल देती थी जो होता था, आपको तो पता है। एक दिन मैं यहाँ एआरवाई पे बैठी तो फिर साहिस्तों को बोल रही है तुम्हारा भाई इस रिकॉर्डिंग पे टाइम पे नहीं, उसको मैंने कहा इसको क्यों सुना रही हो। मेरी अम्मी तो मुंह पे बोल देती थी। मेरी अम्मी ने एक दफा क्या किया, हम लाइव जा रहे हैं शो पे, रमजान की ट्रांसमिशन है, मेरे पास, मैं किचन के सेगमेंट में हूँ, खाना बना रहा हूँ, दे आर पेइंग मी। अच्छा। और अम्मा की उन लोगों ने कॉल ले ली, भाई ने तो अम्मा की नहीं, तुम्हें आता जाता क्या जो तुम करने खड़े हो गए। और ये मेरे साथ भी हुआ है वीडियो कॉल, मेरी अम्मा को पता नहीं चला वीडियो कॉल कर रही है ना, मैं पेशेंट के सामने हूँ और वो उन्हीं के थ्रू कोई पेशेंट आए थे जो उनके कोई जानने वाले थे। अच्छा। अरे भाई सही करना, देखो तुम सही करना, तुम्हें आता भी है ना। अल्लाह, मैं कह रही हूँ अम्मी आप पूरी क्लिनिक सुन रही है, सीधी हैं। हाँ। अच्छा, और इतनी सीधी हैं कि तुम सोचो एक दिन मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट, एक शो में हम बैठे थे, ज़ेबा अख्तियार साहब थी उस शो में और मैं भी गेस्ट थी, तो उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल पे लिया। अब मेरी उन्होंने कहा कि आप इनके बचपन की कोई बात सुनाए, उन्होंने कहा ये एक दिन रक्षे वाले को घर ले आई थी। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि यार ये अम्मी क्या कह रही हैं फ़ोन पे, अरे ये तो एक नंबर की बावली हैं, इन्होंने क्या किया, ये तो अपने हर आदमी को अपने घर ले आती हैं। अब अम्मी कह रही, अब वो एक्चुअली वो रक्षे वाला ने मुझे काम, मुझे पता नहीं बच्ची थी मैं भी यार। हाँ। उस वक्त मैं पता नहीं कॉलेज से आ रही थी, क्या था, मेरी वैन मिस हो गई तो मैं रक्षे में बैठ गई और घर आ गई, तो मुझे उस दौरान पता बातें करने की तो मैं शौकीन। हाँ। मैं अंकल से बातें कर रही हूँ। हाँ। मुझे समझ में आया कि अंकल बेचारे तो भूखे हैं, उनको अभी उन्होंने खाना नहीं खाया इतनी देर हुई, तो मैंने कहा आप इधर रुके, आप मेरे साथ मेरे घर चले। हाँ, मैं घर ले आई। अब मेरी अम्मा परेशान, एक आदमी सामने। अच्छा, नहीं एक बात मैं यहाँ पे मैं गवाही देना चाहूँगी यार भाई कि मैं जब आप काम करती थी तो यहाँ के ड्राइवर्स वगैरह ये लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि जब भी आपको पिक एंड ड्रॉप करने जाते थे कभी भी खाली पेट नहीं आते, आप ज़बरदस्ती करके, मतलब ये काम मैं इतने सालों से यहाँ हूँ ना, मेरे कानों तक ये बात पहुँची, सो मैंने कहा ये अच्छी बात है, जब किसी के बारे में सुनता है बंदा तो ज़रूर, कभी भी शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी मगर यहाँ जितने भी काम पुराने लोग करते हैं उन्होंने यहाँ के सब लोग, और टीम को भी बहुत खिलाती पिलाती थी अंदर, एक इनकी टीम की बंदी मेरी टीम में वो भी बता रही है ये खिलाने की बहुत शौकीन है माशाल्लाह, और खाने की भी, और खाने की भी, ये तो है, हमें भी खिलाती है, बिल खुद ही दे देती है, जब सनम जंग और मैं मिलते हैं तो जबरदस्ती करके खुद ही देती है। अरे सुशी अच्छी थी ना वो। हाँ वो। हाँ। जबरदस्त, हमने एक डिनर किया उस पर हमने इतनी गॉसिप्स की, कोई इतनी गॉसिप्स की, ओए होए होए। ये अच्छा, ये शाह खर्च बचपन से थी, कंट्रोल करना पड़ता है इसको? नहीं हमेशा से। और आप शाह खर्च हैं क्योंकि मैं इनके बारे में इतना नहीं जानती, तो ये तुम्हें शाइस्ता बताना पड़ेगा। जी जी, ये भी शाह खर्च, आप मेरी अम्मी से सुने शाह खर्च की तारीफ। वो शायद हम सब बहन भाइयों के अंदर है कुछ मसला, वो अब्बा से आया हमारे। अच्छा, अब्बा के अंदर। हम ये नहीं देखते कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, हम खर्च कर लेते हैं। तो मुझे फहद ने कही थी कि शाइस्ता मुझे 10 लाख की घड़ी थी, उसकी क्या कहानी है, वो चीज वायरल हुई। वो कोई कहानी नहीं है, वो खामखा ऐसे बैठे बैठे फाद ने बोला। हाँ। और वो वायरल हो गई, फिर दूसरे दिन उसने और मजाक कर दिया, अरे वो 10 की नहीं थी 15 की थी, फिर वो हर रोज उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। तो ये चीज अब्बा के अंदर, अब्बा से आई। आप वी लाइक फाइनर थिंग्स, आई लाइक फाइनर थिंग्स। अच्छा, जब नहीं होते पैसे फिर क्या करते हैं आप लोग, जब कभी इंसान के ऊपर हर तरह का वक्त आता है, कभी उतार चढ़ाव है, कुछ है, कभी जॉब नहीं है, कुछ है, फिर क्या कदम उठाते हैं? नहीं कोई कदम नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हम शायद उस जगह से निकल गए हैं, वो वहाँ पर उस जगह हम नहीं खड़े, लेकिन मैंने बहुत सारे, आपने भी डिफरेंट चैनल्स स्विच किए, और बीच में टफ टाइम्स भी आते हैं, लेकिन आई थिंक मेरा थोड़ा सा मानना दूसरा है। अब मैं किसी भी चीज के लिए काम नहीं करता, ना शोहरत के लिए काम करता हूँ, ना पैसे के लिए काम करता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरे पास अपने, अगर आप मुझसे पूछिए कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट रियली केयर फॉर इट। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू गो बैक टू हिम, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स द रियलिटी। तो जब जरूरत होती है कहीं अल्लाह में, अल्लाह आ जाते हैं पैसे। हां, इट हैपेंस, तो यही होता है। मेरा तो अटमोस्ट बिलीव है, उसने कभी भी मुझे किसी आजमाइश में नहीं डाला जो मेरे हौसले से बड़ी हो। और आप शायद, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि जब होता है, यार आए थे मेरे पर टफ टाइम आए। हाँ। लेकिन वो पता नहीं मैं कैसे निकल गई, अल्लाह की दुआएं, मैंने कहा ना वही चीज, अम्मी की दुआएं,
सो वो मतलब लाइक अगर तुम्हें कभी पैसे की तंगी हुई है, मैं पैसे के हिसाब से टफ टाइम की बात करी, हाँ तो वो निकल गई, अल्लाह ने निकाल दिया, एक क्लिनिक दो क्लिनिक माशाल्लाह। नहीं मैं इससे पहले के फेज की बात कर रही हूं, क्लिनिक से पहले के फेज, मुझे खुद नहीं पता चला। और वो आपको आई थिंक यू ग्रो आउट ऑफ इट, यू ग्रो इनटू इट, तो आपको पता नहीं चलता रियली जब आप एक उससे गुजर रहे होते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि यार चलो आज ऐसा है तो कल ऐसा नहीं रहेगा, दिस शैल पास टू। तो हमेशा जब भी मुश्किल वक्त होता है, one should only remember this, that this shall pass too. ये भी गुजर जाएगा। कुछ ऐसा यार कोई एक वक्त मुझे याद है मेरे पास ऐसा भी आया था जब मैं पाकिस्तान से मूव हुई थी डेढ़ साल के लिए साउथ अफ्रीका। सो मैंने ना जो मेरे पास यहाँ लिक्विड था मैंने वो ट्रांसफ़र किया, और मैंने अपने बच्चों की फ़ीस, मुझे ऑब्वियसली एडमिशन कराना था, तो मैंने दी। और मैं सोचती थी यार ये 6 महीना ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो कुछ काम नहीं कर रही थी वहाँ, कुछ ऐसा सोचती थी यार मैं क्या करूँगी। सो अल्लाह करा देता है फिर चीज़ें। हम टीवी से कॉल आ गई, सुल्तान आंटी ने कॉल कर लिया, वो उनका एक और चैनल हुआ था, तो वो बस हो जाती हैं चीज़ें, रास्ते बनते हैं। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं फिर इन दोनों हार्ड वर्किंग लोगों से जैसे स्ट्रगल्स आपसे शेयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि कोई अगर टूटा बैठा हो ना तो शायद एक आध बात आपकी सुन के वो जुड़ सके। बेशक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जी एम पी शाने साहब। कौन साइन करेगा इसे? बुद्धि है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है, ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का, किसी ने मारा है उसे। मेहनत लग रही है भाई जी, खून पसीने की मेहनत है ये, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ईद उल फितर पे सिनेमाज में जल्द ही चक्कर। और इस वक्त हम फौरन आपको चकरा के ले जा रहे हैं किचन की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग खाने के शौकीन हैं, सुन चुकी हूँ मैं आपके बारे में। सुनो सिर्फ खाने के शौकीन है, पकाने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं, ना उनको है। तो आपके मुंह में पहले से पानी लाने के लिए जरूरी है। अच्छा, खाने को देखकर उसकी रेसिपी सुन के जरा पता चल जाता है कि कितने पानी में होगा। हाँ, तुम्हारे प्रोग्राम का टाइम अब ऐसा हो गया ना कि अब शहरी वाला टाइम है ना। अच्छा, और हमारे प्रोग्राम में खास बात किचन में ये है कि मियां बीवी दोनों मिलकर पका रहे हैं। माशाल्लाह। ओके, एक रेसिपी जो है वो बीवी बनाती है। बाय द वे, मियां बीवी मिलकर पका रहे हैं तो मुझे याद आया ये कॉन्सेप्ट इस दफा SL डिजिटल जो हमारा यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें माहम ने, हाँ माहम और फैजान ने मिस्टर एंड मिसेज किचन किया है, जो कि आप देख सकते हैं। और बताएं हमें कैसे एपिसोड्स लगे। देख कर ये मेहराब से टकराना जाते हैं। कोई बात नहीं। मुझे कहा था शमसी ने, सुना आपके गेस्ट टकराए ना, मैंने कहा मैं बचा लूंगी। जी भाई, सोबी और बासित यहाँ मौजूद है, दोनों प्रोफेशनल शेफ्स हैं और हमेशा एक दूसरे से जलते रहते हैं। मैं अच्छा बनाती हूँ, मस्ती करते हैं, नोक झोंक तो चलती है। मुलाकात कहाँ हुई थी? यही सिनेरियो था हमारे सामने। एक साथ ही हम लोग पढ़े हुए कलिनरी स्कूल। अच्छा, तो लड़ाई लड़ाई में मोहब्बत हो गई। हाँ, है ना, कभी भी हमने एक काउंटर पे काम नहीं किया। लीडिंग की आदत है इस वजह से। इनको क्या आदत है? लीड करने की आदत है। खवातीन को होती है भाई, खवातीन प्रोड्यूसर होती है, खातून प्रोड्यूसर होती है, तो मियां इधर डायरेक्टर बन जाते हैं। लीडिंग, इनको लीड करने की आदत है ना, मुझे लीडर्स पसंद ही नहीं आते। मुबारक हो बेटा। क्या खिला रहे भाई आप लोग हमें? आज ये दोनों बहुत शौकीन है खाने के, अच्छा होना चाहिए खाना। आज मैं एक अरेबिक डिश बना रहा हूँ, फलाफल। अच्छा, फलाफल। इसके लिए दो कप मुझे चाहिए चने, सफेद चने जो होते हैं, उसको ओवरनाइट सोक करके रखा है। अच्छा, क्या इसको चॉपर जो होता है, चॉपर के अंदर हम डालेंगे, उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चे डालेंगे चॉप, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर। सोक करेंगे, बॉईल नहीं करेंगे, बिल्कुल ओवरनाइट सोक करना है। ठीक है, तो मसाले तुम इसमें बॉईल वाले में डाल दोगे या पीसों के बाद में? ये ब्लेंड करेंगे डायरेक्ट, और कच्चे होंगे वो, उबले हुए नहीं होंगे? नहीं, उबले हुए होंगे। से पूछ ली इसे जाके पता। नहीं, पता तो होना चाहिए।
पता होना चाहिए ये क्या बात है जाके मनाना जो काम करता है और जो खाना बनाता है मैं उसको अक्सर बताती हूँ देखो तुम ऐसे करो मेरी बहुत हो गया थैंक यू वेरी मच बहुत हो गया मैं तो रोजे में झूठ नहीं बोल सकता मैं बहुत दफा बताती हूँ भाई उसको क्या बनाना है नहीं इंटेलिजेंटली ना शी इज आस्किंग अच्छा बताएं भोले बहन अच्छा इसको ओवरनाइट सोक करके हमने चॉपर में डालना है उसके बाद दो से तीन जो है हम प्याज डालेंगे अच्छा उसके स्पाइसेस के अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर एक चम्मच ब्लैक पेपर एक चम्मच पिसा हुआ धनिया एक चम्मच और पिसा हुआ जीरा ये भी एक चम्मच और सॉल्ट हम डालेंगे इसके अंदर हसबेंड आएगा इसको हमने ब्लेंड कर लेना है ब्लेंड करने के बाद इसका मिक्सर इस तरीके से बन जाएगा जिस तरह कीमा होता है इस तरीके से इसका मिक्सर बन जाएगा मिक्सर बनाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के कबाब बनाया हुआ छोटा सा इस तरीके से हमने कबाब बनाने और उसको डीप फ्राई कर लेना तैयार ये तैयार हो जाएंगे हमारे फलाफल नहीं तो ये फलाफल किसी सॉस वगैरह के साथ देते हैं इसके साथ एक योगर्ट डिप बनाएंगे उसके लिए योगर्ट चाहिए योगर्ट के अंदर मैं ग्रीन चिलीज डालूंगा और लहसुन डालूंगा साबुत और लेमन जूस ऐड करूंगा ब्लैक पेपर ठीक है इसकी इसको ब्लेंड करूंगा ब्लेंड करने के बाद इसकी एक योगर्ट डिप बन जाएगी इसको मैं सर्व करूंगा पीटा ब्रेड के साथ बीच में वो होल किया पीटा ब्रेड को हाफ कट किया हुआ है उसके बाद इसकी पॉकेट बना ली बिल्कुल इसके अंदर जो है लेटस रखेंगे यानी कि सलाद पत्ता बारीक बारीक उसके अंदर चॉप टोमेटो डालेंगे अनियन डालेंगे फलाफल डालेंगे और अपनी डिप डालेंगे तो ये हमारे फलाफल तैयार हो के हम चखेंगे खाएंगे आजो बेगम मतलब आप ये बनाएंगे ना जी जी अभी जी जी अभी आपको ताजा ताजा मिलेगा हम वहाँ बातें करेंगे पकाते रहेंगे जी अच्छा आज हम सहरी की डिश बना रहे हैं लच्छा पराठा खाया हुआ है तो आज हम बनाए लच्छा चिकन मैं आपकी तरह पराठा और चाय की शौकीन नहीं पराठे के साथ सर्व करेंगे पराठे के साथ सर्व करेंगे जी पराठे के साथ सर्व करेंगे हम लच्छा चिकन बना रहे हैं बेसिकली ये श्रेडेड चिकन से बनती है ग्रेवी हमने जो है चिकन को बॉइल कर लिया लहसुन अदरक डाल के और उसको श्रेड कर लिया हमने और अब कहते हैं श्रेड करना बहुत मुश्किल होता है परफेक्ट श्रेडेड चिकन कैसे होनी चाहिए जो आपका बीटर होता है हैंड बीटर वो आपने बॉयल चिकन किया और आपने हैंड बीटर अपने चिकन के ऊपर जैसे हम केक के ऊपर बीट करते हैं ना अच्छा, चिकन को बीट कर लिया तो ये श्रेडेड बैटर है उसको जिस तरह हैंड बीटर से ब्लेंड करते हैं उससे तो जी जी उससे आपकी चिकन बिल्कुल श्रेडेड हो जाएगी ओके ये आइडिया दे रही हूं और फिर हमने क्या करना है हमने एक पैन लेना है हमने इसमें ऑयल डालेंगे हम 2-3 टेबल स्पून उसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अपना श्रेडेड चिकन डालेंगे आफ्टर दैट हमने टोमेटो प्यूरी ले ली 3-4 अदद ये डालकर हम सारे मसाले ऐड करेंगे उसमें धनिया जीरा पाउडर आ गया हमारा ब्लैक पेपर आ गया कश्मीरी लाल मिर्च थोड़े रंग के लिए हम डालेंगे लाल मिर्च हम थोड़ी स्पाइस लेवल के लिए डालेंगे सॉल्ट हल्दी और हमारा चाट मसाला ये डाल के हम एक ग्रेवी की तरह सब कुक करेंगे 5-6 मिनट के लिए ना ये तो बुजुर्ग भी खा सकते हैं जिनके दांत नहीं है वो भी आराम लेकिन एक पता है कभी भी को मुझे लगता है मुझे क्या लगता है साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि मीट जो होता है ना उसको ओवर कुक कभी नहीं करना चाहिए एक दफा आपने बॉईल कर लिया फिर हम उसको दोबारा तो इसलिए बेहतर नहीं है कि पहले आप ग्रेवी बना लें और ऊपर से इसको डालें बेसिकली चिकन जो है वो आप हाफ डन और नहीं खा सकते जैसे आप मीट खा सकते हैं चिकन जो है आपको प्रॉपर फुली कुक ही खाना है नहीं मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इसको बॉईल करेंगे श्रेड करने से पहले तो एक दफा पक जाएगी ना चिकन तो 5-10 मिनट में हो जाती है उसके बाद आप जब इसकी ग्रेवी बना रही हैं तो आप पहले इसको डाल रही हैं अगर मैं पूरी ग्रेवी बनाने के बाद चिकन डालूंगी तो चिकन में फ्लेवर इनहेंस नहीं होगा वो बॉइल्ड चिकन रहेगा और ये ग्रेवी आपकी 5-6 मिनट में बन जाएगी ठीक है इसमें इतना टाइम नहीं लेगा फिर हमने 5 मिनट से इसको कुक करना है उसके बाद हम इसके ऊपर योगर्ट डालेंगे और फिर हम अपना हरा धनिया और लेमन और कसूरी मेथी पराठे के साथ खाएंगे जी हाँ कसूरी मेथी डालकर उसको दम लेकर और पराठे के साथ सर्व अच्छा मिलेगा आप लोग क्या खाते हैं सारी सहरी में सारे वो वाले आइटम जो हम कहते हैं टेलीविजन पे हम बोलते हैं आप पकौड़े नहीं खाइएगा क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा हालांकि हमारे यहाँ पकौड़े समोसे चने मतलब ये सारी वाले सारे आइटम हाँ, सारे आइटम दोनों के घर अफ्तार में होता है सहरी मैं यूजुअली पराठे दो अंडा कोई भी सालन ऑरेंज जूस एंड चाय खजूर और चाय मुझसे सहरी पे नहीं खाया खजूर और चाय और तुम बस अफ्तारी करती हो हाँ मुझे होता नहीं है मुझसे सहरी पे नहीं लिया जाता अच्छा आइए आप कभी कभी ग्रैनुला ले लेती हूँ एक्सेल नेचुरल्स का लेकिन लेकिन बहुत नहीं खा पाती मैं सहरी का टाइम क्योंकि मैं पूरी रात खाती रहती हूँ प्लीज बैठे अच्छा ये हमारा जो सेगमेंट है इसका नाम है गॉगल
गॉगल आप ऑटो पे शो को छोड़ सकते हैं. आप दोनों खुद भी होस्ट हैं, खुद सवाल करें, खुद जवाब करें, मैं शो एंजॉय करूंगी. अच्छा जी, ये आप खुद सवाल करेंगे, खुद जवाब देंगे. शायद से यू स्टार्ट. मुझे भी नहीं पता क्या सवाल है इसके अंदर. ओके, मैग्नेटिक गॉगल जो है ये, ओके ये मैग्नेट है और मुझे हटाना है इसमें. सवाल होगा इसमें और मैं फिर जवाब जवाब दें. ठीक है, तो शायस्ता के लिए मी टाइम क्या है? चाय का कप और टेरेस में बैठना या स्टडी में बैठना और कभी कभी प्रेयर मैट पे भी बैठना. जाना फोन हाथ में नहीं होता जब टेरेस. नहीं नहीं नहीं. ओके, सो बस सोचती हो चाय हाथ में और सोचती हो या कुछ, या दिमाग को भी खाली छोड़ती हो? मेरा दिमाग वैसे खाली बहुत कम होता है, लेकिन मी टाइम. हाँ जी, पहला सवाल साहिर सिर्फ काला रंग क्यों जेब तंग करते हैं? चलो भाई अभी अभी हम बात कर रहे हैं. भाई ये भी बता दे क्या पतले लगने की वजह से? नहीं नहीं, पतला वगैरह तो मुझे कोई शौक नहीं. तो फिर बहुत इजी होता है, बहुत इजी है. और ऐसे मैंने 5 सिलवाए में, ये इनफैक्ट नया पहन के आया हूं. सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग. अभी मैं प्रोग्राम से पहले पूछ रही थी, मैं कहती भाई फिर ये नहीं नहीं हमें काले कपड़े पहनते थे. नहीं नहीं, अभी कुछ दिन पहले ये ना, मैं तो शो में बहुत देखा है, कभी आप सूट पहनते थे. हां इट्स ऑल ब्लैक. नहीं नहीं, वो शोज में करता था मैं, लेकिन फिर आई रियलाइज कि देखें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे कपड़े पहनना ना मेरे वक्त का ज़िया होता है. तो आई जस्ट, अब चूंकि जब से अमोर शुरू किया तो उसी की शर्ट पहनता हूँ, एक जीन्स पहनता हूँ, देन आई एम गॉन. और अब ये है कि मतलब काला शलवार कमीज मुझे पसंद है. खेड़ियाँ होती हैं, आज आपके पास में बहुत तैयार होकर आया हूँ जूते पहन के आया, बट यूजुअली खेड़ियाँ होती हैं मेरी, काली शलवार कमीज होती है, आई एम गुड टू गो. कंफर्टेबल भी है, वेरी कंफर्टेबल. अभी दिल नहीं चाहता कि भाई जैसे सारे भाई जो हमको सफेद में ही देखा है, लोग होते हैं ऐसे. लेकिन आपको पता है इनकी ये शॉपहोलिक हैं. इनकी क्लोजेट में इतना कपड़ा, इतनी घड़ियां, इतने जूते हैं कि मेरी भाभी के पास इतने नहीं हैं. फिर तो बच्चों की, हमारे बच्चों की, सारों की ईदें हैं. जब सायर मामू के यहाँ जाएंगे, कपड़े, जूते, क्या क्या पैंट्स, क्या क्या मतलब जो जो चीजें वो मिल जाती हैं. अरे वाह. या आई जस्ट डोंट वेयर एनीथिंग एनीमोर. अब दिल भर गया क्या? आई डोंट नो कि आई थिंक आई हैव बिकम मोर मिनिमलिस्टिक एंड सिंपलिस्टिक. मैं चीजों को आसान करता हूँ, अब चीजें बहुत मुश्किल नहीं है. अब पता नहीं अरसे से बस ये घड़ी पहन के घूमता रहता हूँ, वरना आई यूज्ड टू कलेक्ट वॉचेस. आई यूज्ड टू मतलब लिटरली मैं कलेक्ट करता था. हम लोग देखते थे आपके कपड़े और वॉचेस, शूज, ये सब देखा कर रहे होते थे. अब नहीं, ये शूज भी कोई 3-4 साल पुराने हैं एंड इट्स फाइन. अब आप कंफर्ट लेवल के पीछे शादियों में जाता नहीं, लेकिन अगर कभी जाना हो तो वो भी मुझे इसी में देखेंगे. तो अगर अम्मी की कोई अब्बू के करीबी खानदान वाले जी शादी हो तो फिर जी कभी नहीं जाना. माफ करे, कहीं फ्यूनरल पे जाना तब भी यही है और शादी में जाना तब भी यही है. ऐसा है? हाँ भाई सचमुच. अगला क्वेश्चन ये है कि शास्त्रा को अगर एक लफ्ज में बयान करें तो क्या होगा? एवरेज. मुझे तो लगता है मैं कहूंगी औरतों की जिन है, तो काम करती है ये लड़की. सीरियसली मेरी अम्मा कहती है कि शाइस्ता खुद भी एक जिन है. है ना? हाँ बिल्कुल है. मैं मुझे तो ऐसा, अगर मुझसे पूछेंगे आप बताएं क्या एक लफ्ज में अगर बयान करें. अमेजिंग है ना? अमेजिंग, ब्रेव एंड डेडिकेटेड. ये 3 लफ्ज हैं जो मैं अपनी बहन के लिए यूज करता हूँ. शी इज अमेजिंग. तुम कुछ बयान करोगी एक लफ्ज में अगर शायर का कुछ कहें? एक बात है, एक गिव अप नहीं करते. अभी हम टफ टाइम की और बहुत ज्यादा, बाय द वे आज मैं इनके सामने कह रही हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करते. अरे अपने तक रखते हैं. नहीं यार, लेकिन गिव अप नहीं करते. हाँ. और अनबिलीवेबल ट्रस्ट जो होता है ना खुदा पर, वो है. और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम और कहना भी नहीं है, वो तो इनकी नेकी भी ज़ाया हो जाएगी कि इनकी तनख्वाह ये खुद नहीं लेते. मैंने सुना है इनके बारे में. हाँ ये जो लोग होते हैं वो आपको बताते हैं. हाँ. जो आपकी पूरी टीम है, मैं खुद भी अपनी आंखों से देख रही होती हूँ कि वही टीम साथ चल रही है जिस तरह. सो वो वाली चीज माशाल्लाह. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बारी आप करें, आपके आप में आपकी बारी है. साहिर की एक बात, एक आदत जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं. जब रात को मैं बहुत कम सोता हूँ, यूजुअली मेरी 2 घंटे की नींद है, शायद वो भी 2-3 दिन बाद मिलती है. तो क्या हल्कों पे अपनी उमर की कोई चीज लगाता है? लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लगाता हूँ, पिग्मलाइट लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ बिल्कुल लगाता हूँ. तो मैं यूजुअली रात को ड्राइविंग करता हूँ, 3:30 मैं. क्यों पता नहीं, मैं मलीर कैंट में रहता हूँ. हाँ. और वहाँ मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ. हाँ. और 1.5-2 घंटे मैं ड्राइव करता हूँ इत्मीनान से. ये आपका मी टाइम है? जी मेरा मी टाइम है. मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी छत खुल जाती है.
तो मैं वो खोल के आराम से बैठ जाता हूँ. मतलब अकेले क्यों, किसी को साथ बिठाता है बंदा? नहीं वो फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाए. नहीं, वो लोग एतराज करेंगे सुबह इसको बिठाऊंगा. अकेला दोनों में से ज्यादा मतलब लाइक अगर देखा जाए तो रोमांटिक कौन है अपने अपने स्पाउसेस के साथ? मैं तो बिल्कुल नहीं. नहीं रोमांस और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं यार ऑनेस्टली आई एम नॉट केयरिंग विद यू. आई मीन आई थिंक पीपल यूज्ड टू थिंक दैट आई एम वेरी रोमांटिक. आई डोंट बिलीव इन रोमांस. आई डोंट बिलीव इन लव. जो आप रेडियो पे मतलब आवाज निकाल रही थी, देखिए सारी लड़कियों को ये लग रहा होता है बड़ा रोमांटिक आदमी है. नहीं देखें बात सुन, मैं ये कहता हूँ निदा कि मोहब्बत जरूर होती है, बट देन उसको उसी जगह रखें जहाँ वो है. कैसे कैसे हुई थी आपको मोहब्बत? नहीं ये किसी को भी नहीं पता अभी तक. कहाँ मिली थी, कैसे हुई थी मोहब्बत? इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई एम इन लव विद लाइफ. इट्स नॉट जस्ट किसी, मैं किसी एक शख्स से प्यार करता हूँ. आई एम इन लव विद लाइफ. मुझे ये पता है कि जिंदगी मेरे लिए बड़ी आर्जी है. इसमें हर चीज, अब मैं आपको सच बताऊं, दो तीन दिन पहले जब मैं गया अवतार पे तो मेरे छोटे भांजे ने दरवाजा खोला. टू मी दैट मोमेंट जस्ट फ्रोज. आज मैं जब शाफे को देखता हूँ, शाफे हैज ग्रोन अप बिफोर माय आईज, और मुझे लगता है अब मैं उससे मशवरे ले रहा होता हूँ. अभी एक दिन पहले को कैसे खुश करूं? नहीं ऐसी बात different होती है ये होना है about business ना. because तो मुझे ये बड़ी खुश, तो I am in love with all that. मेरा एक certain particular belief नहीं है कि आप किसी एक शख्स से प्यार करते जाते हैं. आप जिंदगी के फेजेस से गुजरते जाते हैं. मुझे पता है कि अब वो वक्त आएगा कुछ दिनों के बाद कि आपको अपनी बिठान जो है वो दूसरों को देनी है. उसमें आपके भांजे भतीजे बेटे बेटी सब आ जाते हैं. तो यू नीड टू बी रेडी फॉर इट. लेकिन मैं तो एक सवाल करना चाहूंगी, जब माशाल्लाह तीन भाई हैं तो शायस्ता और शायस्ता की अम्मी रिश्ते ले लेके अलग अलग जगहों पर गई हैं. जैसे होता ना भाई बहन और माँ जो है उन्हीं का होता है ना फर्ज के भाइयों के लिए बेगमार ढूंढने. फिर ये मेरे मुझसे जो बड़े भाई थे उनके लिए हुआ था. हाँ नहीं नहीं मुझसे जो बड़े भाई ताहिर भाई उनके लिए जरूर हुआ था क्योंकि हाँ भाई सबके लिए भी हुआ. और भाई की चूंकि मुलाकात अमेरिका में यूएस में हुई थी भाभी से, तो फिर फैमिलीज ने दोनों ने आपस में बात कर ली थी और फिर वो इस तरह से वो लोग आ गए. भाई की बात कर, मैं साहिर भाई की. अच्छा साहिर भाई की. साहिर भाई और भाभी की मुलाकात यूएस में अच्छा, हुई थी. अच्छा. जब ये वहाँ पढ़ रहे थे तो फिर उसके बाद दोनों फैमिलीज ने उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, उन्होंने अपनी तो फिर फैमिलीज ने बात कर ली और फिर पाकिस्तान आए और बकायदा इस तरह से शादी हुई. और मेरे मुझसे जो बड़े भाई हैं ताहिर भाई उनकी शादी तो मेरी फ्रेंड से हुई है. और वो मेरी भी जहन में नहीं आई. सोचो मेरी पुप्पी ने और अब्बा ने मेरे पुप्पी बचपन की दोस्ती इनका प्लान. अच्छा it was me who did that. मुझे लगा कि ताहिर के साथ फरिया बहुत अच्छी लगेंगी. तो मैं एक्चुअली रिश्ता लेके गया था. मैं अच्छा मुझे इतना यकीन था कि हो जाएगा. ताहिर भाई दिल में पसंद करते थे कि नहीं? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था. करते थे? नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं था. बात करते थे. अच्छा भाई भाभी ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. अच्छा ताहिर वाज वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ ओबीडिएंट. अच्छा. और उन्होंने कोई इतराज नहीं किया. हाँ. मुझे याद है कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जहाँ करनी है आप कर दीजिए. लेकिन हमारे यहाँ ये जरूर हुआ है कि जो भाइयों की पसंद थी उस पसंद को पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया. जैसे मेरी बड़ी भाभी हैं सबसे. हाँ. बड़े जो मेरे भाई हैं भाई की पसंद और फिर पूरी फैमिलीज मिली और जैसे अच्छा होता है. हाँ. मतलब इतना कोई रिश्ते ढूंढने नहीं पड़े. ढूंढने टाइप हमारे यहाँ ढूंढने नहीं जाते. अच्छा हमारे यहाँ वो वाली फैमिली नहीं है कि कोई गया और देखा और टाइप वाली नहीं. तस्वीरें दिखा रहे हैं भाई को सेलेक्ट करो. नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सीन नहीं है. बच्चों के लिए क्या सोचती हो? यार मैं तो सोचती हूँ ये तो नहीं बोलती, खुद ही ढूंढ के ले आना हमें बता देना. ये पिछले नहीं, तीन साल से ऐसे कम से कम मंगनी करने के तो चक्कर में मुझे अच्छा लगता है. मैं कहती वो सब कहते हैं अभी छोटे मैं कहती यार कर लो कुछ तो. लग रहा है मेरे ताड़ी होती है लड़कियां यार निदा देखो अच्छी. अभी टाइम है यार मतलब. हाँ लेकिन अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना जब तो फिर दिल चाहता है अच्छा सब हो जाए अब हो जाए. क्या वक्त है ना मतलब माशाल्लाह. किसका सवाल था इनका? हाँ. मैं तो बता चुका था. अच्छा शायस्ता अपना हर राज किससे शेयर करती हैं? शायस्ता के पेट की बहुत हल्की है मुझे लगता है सबसे शेयर करती. हाँ मैं तो सबसे बता देती हूँ. बता देती है मुझे ये है पेट की हल्की क्या लगता है? नहीं गहरी है. देखे नहीं गहरी भी नहीं है. शायस्ता की दो साइड है. एक साइड वो है विच इज विजिबल टू एवरीवन जिसके अंदर ये बहुत नॉर्मल रहती हैं सबसे रहती हैं. बट देन देयर इज अदर साइड टू इट. और वो अदर साइड जो है वो बड़ी सॉर्ट ऑफ सिक्लूडेड है बहुत कॉर्नर्ड है. उसके अंदर सिर्फ शायस्ता का शायद दाखला मुमकिन है. उसमें और लोगों का दाखला नहीं है. तो फिर किससे शेयर करती है? नहीं शी डजंट देयर आर थिंग्स दैट शी डजंट. अम्मी से भी नहीं?
नहीं यार, मैं तो शेयर कर लेती हूँ, बस शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो आप इंसान अपने आप से भी करते हुए थोड़ा सा घबराता है। आई थिंक शी हैज टर्न टू गॉड मोर देन एनीथिंग एल्स, तो वो खुदा ताला से आप ज्यादा शेयर करते हैं। दैट्स दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट आई थिंक। साहिर भाई कितना करती हूं शेयर के? नहीं करती हूं, करती हूं, करती हूं। साहिर की एक कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है भाई? अब तो कटरीना की भी शादी हुई है तो कुछ भी हो सकता। कटरीना पसंद थी आपको? यू जस्ट ये कटरीना के फैन थे बहुत भाई। ओहो, इन्होंने तो पोस्टर लगाए थे। ना ना बिल्कुल कोई ऐसे वाले वाले नहीं थे भाई। नहीं नहीं पोस्टर वोस्टर वाले नहीं थे। मेरी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो पूरी नहीं हुई है। मेरी सिर्फ एक 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 रिक्वेस्ट है अल्लाह मियां से, दैट जो मेरी बेटी है बस वो सब। क्या नाम है उसका? ज़ारा। ज़ारा, ज़ारा। तो मेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी बेटी के लिए। एवरीथिंग दैट आई एम टुडे और आई विल एवर बी टुडे, मैं जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं उसके नाम से पहचाना चाहूँ। क्या बने इंशाल्लाह, क्या ख्वाहिश है, व्हाटएवर शी वांट्स। एक कोई दिल में तो होता है, जैसे कि अम्मा अब्बा को डॉक्टर बनाना था इनको। अच्छा, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। जिसमें भी ज़ारा बहुत अच्छी है और वो चाहती है कि वो बने, मैं बस चाहता हूं। तो वो बहुत छोटी है ना, तो उसको अभी जाहिर है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है गैजेट्स में। बाप वाली ड्यूटीज निभाई है। हाँ, वो जो होता है ना कि अच्छा चलो लाओ मैं बेबी सिट कर लूं, लेकिन मैं बात करा दूं, वो जो मेरी भाभी हैं वो बाप भी हैं और वो माँ भी हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करती हैं, इनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा, लेकिन जब ये अवेलेबल होते हैं उसको तो फिर हर चीज को, यानी मैं हैरान थी। एक तस्वीर देख के भाभी ने भेजी, ये लोग अमेरिका में थे और ये वो स्ट्रॉलर पे थी और ये मैं तो हैरान, ये साहिर लोधी साहब ने स्ट्रॉलर पकड़ा हुआ, मैं परेशान। मैंने बोला भाई साहिर लोधी साहब ने कभी बहन के बच्चे संभाले या भाई के बच्चे संभाले हैं कभी? भाई मतलब बच्चों से दोस्ती बहुत है, मामू तो वाला नहीं, बेबी सिट वाले नहीं है ये। दोस्ती बहुत है, मतलब ये कपड़े नहीं इसके साथ यूं, वो मामू से मशवरे होंगे, ये होगा, ये वाले मामू है वो, मतलब। लेकिन मैं बोलते ना जब अपना बच्चा होता है ना तो फिर तो मैंने है। वो भाई का रूप देखा है ना, वो कहीं नहीं, कभी नहीं देखा। और वो ऑब्वियसली ज़ारा के लिए है ये। लेकिन मेरी भाभी रातों को जागना हो, उसका कोई स्कूल का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो मेरी भाभी करती है। ये खैर पता चल गया, ये टीवी में बिजी होते हैं, ये अमोल में बिजी होते हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, तो दैट्स व्हाई। लेकिन उसका अगर स्कूल की कोई भी चीज, जब मैं वहाँ होता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज़ मैं उसकी कोई चीज मिस नहीं करता। सो मच सो कि रात को जब वो सोने के लिए लेटती हैं तो उसके पास अपना आईपैड होता है, मेरे पास अपना आईपैड होता है, एंड हम दोनों वो बात होती है, सुबह को उठ के सबसे पहली कॉल उनके होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब वो बता भी देती हैं इन्हें, जब ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं ना ऑब्वियसली, तो जब वो ये वापस आते हैं तो दो तीन दिन तक वो नाराज भी रहती हैं, वो बता भी देती हैं। कितने साल की हो गई हूँ? अल्लाह, तो मजे वाली एज है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, ज़ारा के बारे में थोड़े से और सवाल आते हैं। वेलकम बैक, जीएमपी शान ए सहूर में आपकी मुलाकात आज हुई शाइस्ता लोधी एंड साहिर लोधी से। दोनों बहन भाई इकट्ठे आपको कम कम नजर आते हैं, इतना माशाल्लाह ये लोग बिजी हैं और इतनी जगह हाथ फैलाए हैं कि वो इकट्ठे करना इनको बड़ी मुश्किलों से इनका टाइम मिला हमें। और खैर आज हमने बड़ी गप लगाई, जैसे ही हमने ऑडियंस को बताया कि साहिर और शाइस्ता इकट्ठे हमारे पास आ रहे हैं, तो ऑडियंस ने अपने सवाल जवाब भेजे अपनी तस्वीरों के साथ, मेकअप वेकअप करके फुल किचन में। अच्छा, सो हाँ, तो ये सवाल जो है वो ऑडियंस के हैं जो मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ। जी, पहला सवाल किसके लिए है? हुस्ना ने शाइस्ता से पूछा है कि आप जो इतनी कम उम्र और खूबसूरत नजर आती हैं, इसके पीछे आपके क्लिनिक का कितना हाथ है? अब मैं बहुत ही कोई उस तरह का क्लिशे जवाब दूँ, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन नहीं, मैं अपनी केयर करती हूँ बिल्कुल। और तुम्हें देखते ही तो आएंगे ना लोग क्लिनिक पर। मैं आज से नहीं, जब से मैंने क्लिनिक खोली है या जब से मैंने पढ़ा है, तब से नहीं, मैं हमेशा से अपनी स्किन की केयर करती हूँ। मेरी जीन्स मुझे बहुत अच्छी, मेरी जीन्स बहुत अच्छी है स्किन। मेरी अम्मा, मैंने कहा ना मेरे नाना का ताल्लुक ईरान से था, तो कुछ वो जीन्स भी हैं
और फिर अपना ख्याल रखती हूँ तो उसकी वजह से मैं अपने क्लिनिक में अपने प्रोसीजर्स खुद करती हूँ. ये भी बड़े मजे की बात है कि मेरे मेरे जो लोग होते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं देख के ना कि अगर मुझे कुछ. हाँ आपने देखा है कि मैं अपना प्रोसीजर खुद कर रही हूँ. अगर मुझे कुछ कुछ कहीं करना है तो मैं खुद कर लेती हूँ. और ये लोग कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, मैं खुद कर लेती हूँ अपना प्रोसीजर. ओ वाओ जबरदस्त. मैंने वैसे शाइस्ता को जब भी देखा है, जब जिस रूम में ये जाती थी जैसे ट्यूबलाइट नहीं चमकती हुई स्किन हमेशा से. और हमारे मियाँ भी कहते हैं यार शाइस्ता से तुम टिप्स लो, ज़्यादा अच्छी स्किन कैसे हो भाई. सब माशाल्लाह. एआरवाई में भी जब भी मैं हम जॉग करते थे और शाइस्ता इधर होती थी तो मैं हमेशा एडमायर करती थी इनकी स्किन. ये खानदानी भी है और ज़ाहिर है अब डॉक्टर भी हैं. जी हंसना आपको जवाब आपका मिल गया. नेक्स्ट सवाल, नसीम ने साहिर से पूछा है कि आपने एक फिल्म करने के बाद मज़ीद फिल्म्स नहीं की, इसकी क्या वजह है? एक तो कोविड हिट कर गया, हम दो स्क्रिप्ट पे काम तो कर रहे थे. कोविड से तो बहुत पहले आई थी. लेकिन उसके बाद मुझे जो लगा स्क्रिप्ट, हम रास्ता के स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम्स थे. अच्छा. तो मुझे लगा कि हमको फिल्म जो है वो पहले पेपर पे बनानी चाहिए फिर उसके बाद हमको शूट पे जाना चाहिए. तो आई हैड टू स्क्रिप्ट्स और उसमें से शायद एक फाइनल भी हमने किया था लेकिन फिर कोविड की वजह से हुआ और अब हम उस पर दोबारा. रास्ता आपने खुद डायरेक्ट की थी? रास्ता एक्चुअली वो भी एक कहानी है. नो इट वाजंट डायरेक्टेड बाय मी बट बीच में बहुत सारे मसाइल थे, इश्यूज थे तो उसकी वजह से मेरे हिस्से में वो आ गई थी लास्ट के कुछ पोर्शन में. बट एक्चुअली वाज डायरेक्टेड बाय समबडी एल्स. तो हां मेरे हिस्से में आ गई थी. लेकिन एक्सपेक्ट करें लोग आपका नेक्स्ट? जी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अब तो एक सिनेमा खुल रहा है इतने सालों बाद सो अब बहुत सारे लोगों के लिए और शायद नेक्स्ट ईयर से पहले एक और प्रोजेक्ट को देखेंगे लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जी नसीम साहब आपका जवाब आपको मिल गया. नेक्स्ट सवाल क्या है? फरीद ने शाइस्ता से पूछा है कि होस्टिंग एक्टिंग और क्लिनिक के बाद अब आपका अगला टास्क क्या होगा? तभी तो मैंने इनको जिम कहा है. क्या होगा? आई थिंक द एस्थेटिक क्लिनिक को पूरे मुल्क में लाना. अब मतलब एक चार ब्रांचेस हैं तो और मज़ीद शहरों में. मुझे हमेशा से बहुत शौक है कि मैं पेशावर और क्वेटा में काम करूँ. तो प्रॉब्ली नेक्स्ट महीने. नेक्स्ट मंथ. वेरी नाइस वेरी नाइस. जी अगला सवाल, जैनब ने साहिर से पूछा है कि मॉर्निंग शोज को लेकर काफ़ी तनकीद हुआ करती थी, आप अपने शो को किस तरह डिफेंड किया करते थे? मैंने कभी डिफेंड नहीं किया. नेवर डिफेंडेड. नो आई थिंक वो एक पार्ट था. अगर आप मॉर्निंग शो को देख के इस बात का फैसला करेंगे कि ये साहिर लोधी है तो आप बहुत गलत करेंगे. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें निदा आप भी और मैं भी और शाइस्ता भी हम सब एक रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं करना होता है. तो देखिए मेरी अपनी शख्सियत जो है वो शो से बहुत अलग है. जो शोज मैं करता हूँ वो भी मेरी शख्सियत का ही हिस्सा है. ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल उनसे अलग हूँ. मैं उनके साथ हूँ और मॉर्निंग शोज ने जहाँ चंद गलत बातें दी होंगी शायद जो कि आप समझते हैं वहाँ बेतहाशा अच्छी बातें भी दी हैं. बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी शो को डिफेंड करना चाहिए. ये आपका प्रोगेटिव है, आप उसे कैसे देखते हैं? शायद हम हर किसी को तो कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद तुम भी जाते हो कि बाजार मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं. यस बिल्कुल होती हैं. बहुत सारी पेशेंट्स, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी आती हैं जो सिर्फ मेरी पेशेंट्स नहीं 50,000 में ट्रैवल करी होती हैं. लड़कियाँ मिल रही होती हैं, हमें आपसे मोटिवेशन मिली थी, मेरी लाइफ में ये हो गया था तो मैं यू नो आपका शो देखती थी. तो आज अगर मैं ये कुछ कर रही हूँ तो आप अपने शोज में बोलती हैं तो मैंने अपना कारोबार शुरू किया, इतने पैसों से किया क्योंकि आप यू नो. तो ये तो सुन के बहुत अच्छा. आपको बड़ा सिंपल बता सकता हूँ कि वी सपोर्ट ओवर 100 फैमिलीज. वी टेक केयर ऑफ अबाउट मोर देन यू नो 176 पेशेंट्स एवरी सिंगल डे. तो ये कहाँ से हुआ? ये सब उस वजह से हुआ बिकॉज लोगों ने आपकी शक्ल में, आपकी शक्ल में, इनकी शक्ल में, नादिया की शक्ल में, फैसल की शक्ल में, फारा की शक्ल में, किसी जो भी माया एवरीवन, तो उनकी शक्ल में एक मसाया देखा. उनको कहीं ना कहीं उनकी वॉइस जो थी लगता था उनका कोई दोस्त बैठा, कोई दोस्त बैठा जिससे वो अपने दिल का हाल सुन सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. तो आई थिंक डिफेंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप उसे बेहतर समझते हैं तो आप उसे पसंद करेंगे, अगर आप बेहतर नहीं समझते तो आपके हाथ में रिमोट है. हाँ बिल्कुल चेंज देख लें कुछ भी. ओके जी, आसिया ने शाइस्ता से पूछा है कि आपकी आदतें आपकी किस बच्चे में सबसे ज्यादा मौजूद हैं? आई थिंक ईमान में. ईमान में? हाँ बेटी होने के नाते बेटियों में ज्यादा आती है ना अम्माओं की. जरा जैसे मेरे अंदर मेरी अम्मा की बहुत सारी आदतें अच्छा। हैं, इसी तरह ईमान ने शायद मेरी बहुत सारी आदतें. जबरदस्त जबरदस्त. ये सवाल जवाब का सिलसिला था और खाना तो ले आओ,
हम अपने गेस्ट को भूखे नहीं जाने देंगे। इंतजार करें और ये वो कौन सा लच्छा चिकन राइट। इनकी प्रेजेंटेशन चेक करें, कमाल है यार, ब्रेन है। आप इधर बैठ जाएगा भाई, जिस तरह आप लाए हैं यहाँ इस तरह करके आई प्लीज बैठ। तो ये आप घर में भी लाते हैं? नहीं, आप घर में भी अपनी बेगम को ऐसे ही यूज़ करते हैं? क्या बात है यार। अब जितनी लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं, अपने लिए हस्बैंड जब भी चूज करें ये देखें वो खाना कितना अच्छा बनाता है, उसके बाद ला के ऐसे ही देता है कि नहीं। मेरा भाई भी शेफ है ना। हाँ, तुम्हारा भाई मेरा भाई भी शेफ है। अच्छा, उसकी बीवी बड़ी खुश रहती है माशाल्लाह। हाँ हाँ, तो ये आप लोगों को इत्तला है कि जो लोग शेफ नहीं है उनकी बीवियां खुश नहीं रहती। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं असल में ऑन एयर नहीं कहती चखे, क्योंकि वो शादी की वीडियो लगती है ना, मुंह में बाइट है और वीडियो बना रहे। तो जब हम जब खुदा भाई कुछ और तो नहीं मिला इसमें? नहीं नहीं, बहुत साफ वर्जन देना। अभी हम भी खाएंगे, टूट पड़ेंगे, हम फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच आप दोनों का टाइम निकालने का इकट्ठे, और आप लोगों की जो फैन फॉलोइंग है वो है और हमेशा रहेगी। बहुत प्यार मैंने देखा है, मैंने देखा इनके पीछे पब्लिक को किस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा है माशाल्लाह, और मैंने शाइस्ता का भी देखा है, दोनों का माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत लोग आपसे करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। उन सारे लोगों का बहुत शुक्रिया जो मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है सनी अम्मा अब्बा। देखिए ना, बिजनेस लेकर आए आप दोनों और उन्होंने अपना अपनी मोहब्बत वहां भी दिखाई। हां बेशक, है ना, जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, हर चीज में आप लोगों ने एक्सेल किया है और अपने बिजनेस के लिए भी। और मैं चक्कर जो है ना वो अपने पैसों से लगाऊंगी। ये चक्कर जो मैं यूं लगाऊंगी ना, और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि मेरी दोस्त ने बहुत मेहनत की है और बहुत ईमानदारी के साथ ये लड़की काम करती है, तो प्लीज देखें। और सिर्फ ये मूवी नहीं, आपके पास तो इस वक्त हमारे पास कितनी सारी मूवीज लगी हैं। बट आई वांट से वन थिंग अबाउट चक्कर, मैंने चक्कर का थोड़ा सा जरा एक्सटेंडेड वर्जन देखा है ट्रेलर का, और मुझे लगता है कि यासिर ने जो रोल यासिर ने प्ले किया है, If nothing, go for Yasir. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको different मिलेगा। बहुत मुझे you know कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ देखिएगा, Chakkar is going to be awesome. पाकिस्तान की जितनी movies release हो रही हैं, सब जाके देखिए। Support Pakistan film industry. Thank you so much. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। लेकिन 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 अगर आपने ये शो मिस कर दिया है, सो अपना मॉर्निंग शो का टाइम है भाई, रिपीट होगा, वहाँ जाके देखिएगा। GMP शाने से हो।